सीरीज ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के सेवंथ वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में स्ट्रेट लाइन इन द स्पेस के बारे में बताऊंगा, उसका इक्वेशन बताऊंगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पर 6 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। तो हाई फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम ए क्लासेज, मैं हूँ सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एम ए क्लासेज को क्लिक करें। एम ए क्लासेज को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्ले लिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप स्ट्रेट लाइन 2D में पढ़े होंगे, अब हम लोग 3D में स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन इन 3D मीन्स क्या हुआ कि आप स्पेस में कहीं पर आप स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। 2D में क्या होता था कि स्ट्रेट लाइन हम लोग किसी प्लेन पर लेते थे, कोई भी प्लेन है, जैसे बोर्ड ही एक प्लेन है तो इस पर हम लोग स्ट्रेट लाइन लेते थे। और 3D में क्या है कि स्पेस में आप कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। आप ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, इस तरीके से कहीं पर भी ये एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इस दोनों को ज्वाइन कर दीजिए या ये पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो अब हम लोग 3D में स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन पढ़ेंगे वो दो टाइप का इक्वेशन पढ़ेंगे, एक वेक्टर इक्वेशन पढ़ेंगे और एक कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ेंगे। 3D जो भी आपको पढ़ना है उसमें वेक्टर और कार्टेशियन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक इक्वेशन के बारे में हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे 2D में आप डिफरेंट टाइप का इक्वेशन जानते होंगे कि क्या क्या इक्वेशन हो सकता है स्ट्रेट लाइन का। जैसे मान लीजिए अगर किसी लाइन का पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से वो पास करता है और अगर एक इसका स्लोप दिया हुआ है m, तो इसका इक्वेशन होता है y-y1 = m(x-x1)। तो ये होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म जिसको कहते हैं। तो इसी तरीके से 3D में अगर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ दिया हुआ है तो उसका हम लोग इक्वेशन निकालेंगे 3D में भी, और वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लेते थे जिसको जनरल पॉइंट कहते थे, कोई भी पॉइंट हो सकता है स्ट्रेट लाइन पर। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई मानते थे और एक्स वाई और जो भी दिया हुआ चीज़ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि ये पॉइंट एक्स वन वाई वन से पास कर रहा है और इसका स्लोप एम है, तो ये एक्स वाई जो इस लाइन के कोई भी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट है और जो दिया हुआ चीज़ था, दिया हुआ एलिमेंट है, उसके बीच एक रिलेशन निकाल देते थे और इसी रिलेशन को हम लोग इक्वेशन कहते थे। जैसे आप इंटरसेप्ट फॉर्म में जानते हैं स्ट्रेट लाइन का, मान लीजिए एक कोई स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट काट रहा है ए और बी, एक्स इंटरसेप्ट हो गया ए और वाई इंटरसेप्ट हो गया बी, तो इसका इक्वेशन आप जानते हैं कि एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू वन होता है। तो क्या करते थे, इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एक पॉइंट लेते थे, जनरल पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, एनी पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है स्ट्रेट लाइन पर, और ये जो एक्स वाई है और जो दिया हुआ इंटरसेप्ट था, दिया हुआ एलिमेंट है ए और बी, इसके बीच एक रिलेशन ले आते थे, इसी रिलेशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 3D में जो इक्वेशन निकालना है, मान लीजिए अगर वेक्टर इक्वेशन निकालना है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है और इसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है, तो इस पर वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लेंगे जिसका पोजिशन वेक्टर आर लेंगे, इसका पोजिशन वेक्टर, ध्यान दीजिएगा वहाँ पर 2D में क्या करते थे, जो पॉइंट लेते थे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान रहे थे और कार्टेशियन इक्वेशन में। लेकिन जब वेक्टर इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग कोई भी एक पॉइंट लेंगे और उसका पोजिशन वेक्टर मानेंगे। यार वहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट लेते थे एक्स कॉमा वाई किसी भी पॉइंट का और जो दिया हुआ एलिमेंट रहता था उसके बीच एक रिलेशन ले आते थे। यहाँ पर हम लोग एक एनी पॉइंट लेंगे और उसका पोजिशन वेक्टर आर लेंगे और जो दिया हुआ एलिमेंट रहेगा उसका और आर, ये दोनों के बीच एक रिलेशन ले आएंगे। जैसे सपोज कीजिए ये लाइन पास कर रहा है एक पॉइंट ए जिसका पोजिशन वेक्टर ए है, सपोज करते हैं कि लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है और ये जो लाइन है इस वेक्टर के पैरेलल है। तो क्या करेंगे हम लोग,
ये तो दिया हुआ एलिमेंट है कि इस पॉइंट से पास कर रहा है हुज पोजिशन वेक्टर इज ए एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर बी। और यहाँ पर हम लोग एक कोई भी पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं, दिस इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन हुज पोजिशन वेक्टर इज आर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आर और जो दिया हुआ एलिमेंट है उसके बीच एक रिलेशन ले आएंगे, तो जो रिलेशन आएगा वही इस लाइन का इक्वेशन होगा। तो एक रिलेशन हम लोग ये लाएंगे, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, जहाँ पर लेमडा कोई भी एक स्केलर है। तो ये जो रिलेशन आएगा इसी को हम लोग कहेंगे विक्टर इक्वेशन। ये जो है इस लाइन का इक्वेशन यही आएगा, अभी हम लोग देखेंगे, तो इस लाइन का यही इक्वेशन होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे विक्टर इक्वेशन। तो विक्टर इक्वेशन निकालने के लिए करते क्या है, विक्टर इक्वेशन निकालने के लिए एनी पॉइंट लेते हैं जिसका पोजिशन विक्टर आर है, और ये आर और जो दिया हुआ एलिमेंट है उसके बीच एक रिलेशन ले आते हैं, दिस रिलेशन इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अगर वही कार्टेशियन इक्वेशन निकालना होगा तब क्या करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन निकालना होगा तो ये जो पी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर आर लिए हैं उस समय आर नहीं लेंगे, 3D पढ़ रहे हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो हम लोग एनी पॉइंट लेंगे लेकिन उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लेंगे, और ये जो एक्स वाई जेड है और जो भी दिया हुआ एलिमेंट है उसके बीच एक रिलेशन ले आएंगे, तो उसको हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन कहेंगे। वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग जो एनी पॉइंट लेते हैं उसका पोजिशन वेक्टर आर लेते हैं, और कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए कोई भी पॉइंट लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट लेंगे एक्स वाई जेड। तो फिलहाल अभी हम लोग वेक्टर इक्वेशन की बात करते हैं, इसी लाइन का इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए क्या है थ्योरम, देखिए जब भी 3D आप पढ़ते हैं तो 3D या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझिए, थ्योरम अगर है तो थ्योरम का प्रूफ भी समझिए कि वो कहाँ से आया है, तो आपको और अच्छी तरीके से सवाल बनाने में मदद मिलेगी और आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर आप सिर्फ फार्मूला को रट लेते हैं लर्न कर लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ जो हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे जब सवाल बनाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले जो भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरीके से समझिए, कोई थ्योरम है तो उसका प्रूफ भी देखिए कि वो आखिर इक्वेशन आया कहाँ से है, उसके बाद आप सवाल बनाइए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट थ्योरम को लर्न कर लेते हैं, फार्मूला को लर्न कर लेते हैं और सवाल बनाना शुरू कर देते हैं, ये गलत तरीका है। आप फार्मूला को ड्राइव भी कीजिए, वो फार्मूला ड्राइव करके आप देखिए कि कहाँ से आया है कैसे आया है, उसके बाद सवाल को बनाइए। तो मैं यहाँ पर वही काम कर रहा हूँ, एक थ्योरम ले रहा हूँ। देखिए सबसे पहले कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर ए, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का एक वेक्टर इक्वेशन जो पास कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर ए, एक फिक्स्ड पॉइंट ए से पास कर रहा है जिसका पोजिशन वेक्टर ए है एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी, और ये जो लाइन है वो पैरेलल है एक दिए हुए वेक्टर बी के पैरेलल, तो उसका जो वेक्टर इक्वेशन होगा ये होगा आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, मैं जो अभी बता रहा था। तो ये वेक्टर इक्वेशन आएगा वेयर लेमडा इज स्केलर, जहाँ लेमडा कोई भी एक कॉन्स्टेंट स्केलर है। तो देखिए ये कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, इस लाइन का इक्वेशन ये कैसे आता है, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट ले रहे हैं और इस पॉइंट को हम लोग ए कह रहे हैं जिसका पोजिशन वेक्टर ए है, यहीं से लाइन जो है वो पास कर रहा है, जो दिया हुआ लाइन है यहाँ से ही पास कर रहा है। तो ये लाइन यहाँ से पास कर रहा है और इस पर कोई भी एक पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, इस पॉइंट को पी लिख रहे हैं जिसका पोजिशन वेक्टर आर है, और ये जो लाइन है वो वेक्टर बी के पैरेलल है, ये वेक्टर बी के पैरेलल है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है जिसका पोजिशन वेक्टर ए है, तो पोजिशन वेक्टर निश्चित रूप से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा। तो सपोज कर लेते हैं वो यहाँ पर एक ओरिजिन हो गया और इसका पोजिशन वेक्टर ए है, तो यहाँ से इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा ओ ए यही वेक्टर पोजिशन वेक्टर कहलाएगा और ये वेक्टर ए के इक्वल हो गया। इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर आर है तो इसको हम लोग ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे, ओरिजिन से बाहर निकलते हुए डायरेक्शन में जो वेक्टर बनेगा यानी कि ओ पी वेक्टर बनेगा ये वेक्टर आर होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं कि लेट ओ बी द ओरिजिन एंड लेट ए हुज पोजिशन वेक्टर ए बी द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द गिवन स्ट्रेट लाइन, वो ओरिजिन ले लेते हैं और ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया इन द गिवन स्ट्रेट लाइन, लेट पी हुज पोजिशन वेक्टर आर बी एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, ये कोई भी पॉइंट है पी पॉइंट जिसका पोजिशन वेक्टर आर है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, तो देयर फोर हम लोग लिखेंगे ओ ए वेक्टर यानी कि पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये निश्चित रूप से किसके बराबर है ए के बराबर, एंड ओ पी ये जो ओ पी वेक्टर है दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ
पॉइंट पी, पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर है, यहाँ पर पॉइंट ए का है ये, तो पॉइंट पी, पी का जो पोजिशन वेक्टर है वो वेक्टर आर है। अब जरा समझिए कि सिंस ये जो वेक्टर है ए पी, ये लाइन जो है वो पैरेलल है बी का, यानी कि ये जो वेक्टर ए पी होगा, इस डायरेक्शन में हम लोग ए पी एक जो वेक्टर बना रहे हैं वो वेक्टर भी पैरेलल हो जाएगा बी वेक्टर का। सिंस गिवन लाइन, ये जो लाइन है गिवन लाइन इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, पैरेलल टू वेक्टर बी, तो देयर फोर वेक्टर ए पी मस्ट बी पैरेलल टू वेक्टर बी। और आपको पता होगा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है तो एक वेक्टर में हम लोग लेमडा स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इस वेक्टर के इक्वल होगा। अगर दो पैरेलल वेक्टर है तो इसमें एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ, तो निश्चित रूप से ए पी वेक्टर के इक्वल होगा, इक्वल होगा। जहाँ पर लेमडा क्या है, स्केलर है, फोर सम, यहाँ हम लोग लिख देते हैं फोर सम स्केलर लेमडा। अब जरा देखिए वेक्टर ए पी को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए पी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो वेक्टर ए पी को कैसे लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए पी इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, और इधर कितना है लेमडा इंटू बी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लेमडा इंटू बी है। अब पी का पोजिशन वेक्टर, तो पी का पोजिशन वेक्टर आप देख रहे हैं कि ये आर है, तो वेक्टर आर, और ए का पोजिशन वेक्टर, ए का पोजिशन वेक्टर वेक्टर ए है, एंड इट इज इक्वल टू लेमडा इंटू बी। तो हम लोग ए को उधर ले जाते हैं तो आर इक्वल टू हो जाएगा ए विक्टर ए प्लस लेमडा इंटू विक्टर बी। तो ये जो इक्वेशन आ गया, एक रिलेशन आ गया, किसके बीच रिलेशन आ गया, जो दिया हुआ एलिमेंट था ए पॉइंट से पास कर रहा था, बी विक्टर के पैरल था, और इस पर कोई भी एक पॉइंट लिए जिसका पोजिशन वेक्टर आर है, तो जो दिया हुआ एलिमेंट है गिवन एलिमेंट और एनी पॉइंट जो ले रहे थे हुज पोजिशन वेक्टर आर, तो गिवन एलिमेंट और आर के बीच एक रिलेशन आ गया, यही रिलेशन जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा इस लाइन का, तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब जरा समझिएगा कि आर जो पॉइंट है जिसका पोजिशन वेक्टर आर हम लोग, सॉरी पी जो पॉइंट है जिसका पोजिशन वेक्टर आर माने हैं, इसको क्या लिख सकते हैं। किसी भी पॉइंट का आपको पता होगा लाइन पर या वेक्टर पर या स्पेस में कोई भी पॉइंट अगर ले रहे हैं जिसका पोजिशन वेक्टर आर लिख रहे हैं, तो उसको आर को कैसे लिखा जाता है। आर इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। स्पेस में कहीं पर भी अगर हम लोग पॉइंट ले रहे हैं और उसका पोजिशन वेक्टर अगर आर मान रहे हैं, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ एक्स वाई और जेड क्या बताता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होगा। तो अगर किसी भी पॉइंट का स्पेस में कोई भी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मान सकते हैं और उसका पोजिशन वेक्टर आर लिख रहे हैं, तो आर इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ आर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक और चीज़, ये जो R है ये पोजिशन वेक्टर बता रहा है, किसका पोजिशन वेक्टर बता रहा है, इस लाइन के किसी भी पॉइंट का, ये तो एनी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट का। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन, ये जो लाइन है वो पास कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट A से जिसका पोजिशन वेक्टर A है, और ये अगर इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इसके किसी भी पॉइंट का कोई भी पॉइंट अगर है तो उसका हम लोग पोजिशन वेक्टर लिख सकते हैं। एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस विक्टर ए प्लस लेमडा इंटू विक्टर बी। ये लेमडा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, लेमडा तो फिक्स नहीं, लेमडा कोई भी स्केलर हो सकता है, तो लेमडा का जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो ये इस पॉइंट का पोजिशन विक्टर ही बताएगा। मान लीजिए लेमडा की जगह जीरो पुट कर देते हैं, जीरो पुट कर देंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो पुट करने से ए हो जाएगा। देखिए ये इस पॉइंट का पोजिशन विक्टर बता रहा है। मान लीजिए लेमडा की जगह वन पुट कर देते हैं, तो वन पुट कर देते हैं तो ए प्लस विक्टर बी हो जाएगा। ये भी इसी लाइन का किसी ना किसी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा पोजिशन वेक्टर, किसका पोजिशन वेक्टर, इस लाइन के किसी ना किसी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इनफाइनाइट पॉइंट है तो यहां पर इनफाइनाइट पोजिशन वेक्टर मिल जाएगा, लेमडा का इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे तो इनफाइनाइट पोजिशन वेक्टर मिल जाएगा इनफाइनाइट पॉइंट का। तो इस तरीके से ये जो लाइन है इसका वेक्टर इक्वेशन हो गया आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 z1।
एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है कोई लाइन, सपोज कीजिए एक लाइन ये है जो एक फिक्स्ड पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन से पास कर रहा है एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा तो डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी के प्रोपोर्शनल है इस लाइन का, तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। अभी हम लोग वेक्टर इक्वेशन पढ़ रहे थे, अब कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन ये होगा एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी। यानी जो लाइन इस पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है और इस लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है तो इस लाइन का इक्वेशन यही होगा। अब जरा समझिए इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक लाइन के पैरेलल एक वेक्टर लेते हैं, इस लाइन के पैरेलल हम लोग एक सपोज कर लेते हैं वेक्टर, अभी बी माने थे यहाँ पर बी नहीं मानेंगे क्योंकि डायरेक्शन रेशियो बी दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये एक एम कोई वेक्टर है जो इस लाइन के पैरेलल है। अब आपको ये पता होगा कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है या ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है तो जो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का होगा वही डायरेक्शन रेशियो इसका भी होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट यहाँ लिखते हैं एम इक्वल टू एम बी ए वेक्टर, एम बी ए वेक्टर पैरेलल टू गिवन लाइन। तो ये इस लाइन के जो दिया हुआ लाइन है उसके पैरेलल एक वेक्टर लिख रहे हैं, तो देयरफोर ये एम का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो भी ए बी सी हो जाएगा। देयरफोर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एम आर प्रोपोर्शनल टू ए बी और सी। तो इसीलिए विक्टर एम को क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा अगर इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी के प्रोपोर्शनल है तो विक्टर एम इक्वल टू हो जाएगा, मैं पहले वाले वीडियो में बताया हूँ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट जहाँ से ये पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर एन मान लीजिए, ए नहीं मान रहे हैं, ए ऑलरेडी यहाँ डायरेक्शन रेशियो में दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं लेट एन इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है ए, हम लोग उसको डिनोट कर रहे हैं एक्स वन वाई वन जेड वन, ये फिक्स्ड पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन स्ट्रेट लाइन पर, उसका हम लोग पोजिशन वेक्टर एन मान लिए। तो देयर फोर वेक्टर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन दिया हुआ है उसका वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े हैं। अब इसका पोजिशन वेक्टर हो गया एन जो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर और ये इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, आर इक्वल टू अभी हम लोग पढ़े थे ए प्लस लेमडा बी, तो यहाँ ए नहीं है बल्कि उसके बदले यहाँ पर एन है, एन प्लस लेमडा और बी के जगह एम है, तो यहाँ पर इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज आर इक्वल टू एन प्लस लेमडा एम। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, किसका वैल्यू पुट करेंगे, तो R का वैल्यू, R क्या बता रहा है, R तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, तो R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैं अभी बता रहा था कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होता है वो यही लिखते हैं हम लोग, R इसी के बराबर होता है। और N क्या है, N जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट A एक्स वन वाई वन जेड वन है, तो इसीलिए आप N को क्या लिख सकते हैं, N वेक्टर इक्वल टू ये इस पॉइंट का है तो एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं एन का वैल्यू है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप और प्लस लेमडा इंटू विक्टर एम। तो विक्टर एम का वैल्यू क्या है, विक्टर एम का वैल्यू है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये आप इधर ले आइए, तो इधर ले आते हैं तो देखिए यहाँ से आई कॉमन आ जाएगा, तो i कॉमन आएगा तो x माइनस एक्स वन इंटू आई कैप, ये इधर आ रहा है y माइनस वाई वन जे कैप, ये दोनों से हम लोग j कॉमन ले रहे हैं। अब इस दोनों से k कॉमन ले लेंगे तो z माइनस जेड वन इंटू के कैप, और यहाँ पर क्या बच रहा है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए लेमडा ए आई कैप प्लस लेमडा बी जे कैप प्लस लेमडा सी के कैप। अब जरा समझिए
कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल, दोनों वेक्टर इक्वल है, तो वेक्टर इक्वल है तो i का जो कोएफिशिएंट यहाँ पर है और i का जो कोएफिशिएंट यहाँ पर है वो भी इक्वल होगा, तो x माइनस एक्स वन इक्वल टू क्या होगा, लिमडा a। फिर वैसे ही j का कोएफिशिएंट भी इक्वल होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू लिमडा b। k का भी दोनों साइड का कोएफिशिएंट इक्वल होगा, z माइनस जेड वन इक्वल टू लिमडा c। तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए, हम लोग लिख सकते हैं कि देयर फोर एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू लिमडा a, y माइनस वाई वन इक्वल टू लिमडा b और z माइनस जेड वन इक्वल टू लिमडा c, ये इक्वल आ गया। अब a को आप इधर डिवाइड कर दीजिए, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई a इक्वल टू लिमडा, फिर y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई यहाँ से b को आप इधर ले आइए, दिस इज इक्वल टू लिमडा, एंड z माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई लिमडा इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर c को ला रहे हैं, इक्वल टू लिमडा। तो ये भी लिमडा के इक्वल है, ये भी लिमडा के इक्वल है, ये भी लिमडा के इक्वल है, तो तीनों इक्वल हो गया। तो यानी कि x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई a इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई b इक्वल टू z माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई c, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया स्ट्रेट लाइन का, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब जरा समझिएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। अब आगे जरा ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन को पैरामेट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। क्यों पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं जरा समझिएगा। अब यहाँ से देखिए, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये तो लिख सकते हैं, और यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू आप लिख सकते हैं x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस लेमडा a, यहाँ से आप इसको इधर ले आइए, और y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं y1 प्लस लेमडा b, और z का वैल्यू क्या लिख सकते हैं z1 प्लस लेमडा c। तो ये एक्स वाई जेड क्या बता रहा है, एक्स वाई जो जेड जो है वो क्या बता रहा है, इस लाइन के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता रहा है। जब जब इक्वेशन हम लोग ये लिख रहे हैं तो ये इक्वेशन में एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। तो x इक्वल टू एक्स वन प्लस लिमडा ए, y इक्वल टू वाई वन प्लस लिमडा बी, जेड इक्वल टू जेड वन प्लस लिमडा सी, जहाँ पर ए बी सी तो दिया हुआ है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, और x1 y1 z1 भी दिया हुआ है। लिमडा क्या है, लिमडा जो है यहाँ पर कोई भी स्केलर है, तो लिमडा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स वाई जेड का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, और वो जो एक्स वाई जेड का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा वो कहाँ का पॉइंट होगा, इसी लाइन का पॉइंट होगा, एक्स वाई जेड तो इसी लाइन का पॉइंट है। तो लेमडा का अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो जो पॉइंट मिलेगा एक्स वाई जेड का वो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा इस लाइन का, और इसी लाइन का ये होगा, तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया, इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन कैन बी रिटन एज, हम लोग किसी भी पॉइंट को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जो है x1 प्लस लिमडा a, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस लिमडा b, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा z1 प्लस लिमडा c। तो एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन कैन बी रिटन एज, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो ये हम लोग लिख सकते हैं। अब लिमडा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करने से इसी लाइन का एक पॉइंट मिल जाएगा, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन भी कहलाता है, और इसका किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और देखिए कि अगर एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना हो, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप जानते हैं कि तीन एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो अगर एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना हो तो कैसे एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कोई भी एक्सिस जो होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो एक फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन से पास कर रहा है, और इसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्शन रेशियो ए बी सी किसको कहते हैं। जो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन होता है उसमें किसी भी नन जीरो से मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो नंबर मिलता है उसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। मान लीजिए जो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन उसमें के से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मान लीजिए ए बी सी मिला तो ए बी सी को डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। अब के से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो के की जगह वन भी कर सकते हैं, तो के की जगह अगर वन कर देते हैं तो ये वन कर देने से, वन से मल्टीप्लाई करने पर तो एल के इक्वल ही रहेगा, ये एम के इक्वल और ये एन के इक्वल, तो एल एम एन भी जो है वो डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं। तो जो डायरेक्शन कोसाइन है उसको भी डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग अभी इक्वेशन पढ़े हैं, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी, जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी, ये जो इक्वेशन पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन का, वो ए बी सी की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एल एम एन भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्शन कोसाइन भी लिख देते हैं तो वो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, मतलब एल एम एन भी लिख सकते हैं।
या फिर एबीसी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकता है या डायरेक्शन रेशियो भी हो सकता है। अब जरा देखिए, एक्स एक्सिस का अगर इक्वेशन निकालना हो तो एक्स एक्सिस तो एक फिक्स्ड पॉइंट ओरिजिन से पास कर रहा है, और इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, 100 होता है। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो 100 होता है। तो इस अगर इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन की बात करें तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स वन जो पॉइंट जहां से पास कर रहा था वो एक्स वन वाई वन जेड वन की जगह 0 0 0 हो जाएगा। तो एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाई ए की जगह 1 इक्वल टू वाई माइनस जीरो डिवाइडेड बाय बी, बी के जगह 0, और जेड माइनस जीरो डिवाइडेड बाय सी, सी के जगह 0। तो आप देखिए यहाँ से ये क्या आ रहा है, एक्स डिवाइडेड बाय 1 यहाँ हो जाएगा, वाई डिवाइडेड बाय 0 और यहाँ हो जाएगा जेड डिवाइडेड बाय 0। तो ये यहाँ से आप देखिए लिखिए, ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये दोनों को अगर इक्वल लेते हैं और ये 0 इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो वाई इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 0 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, ये दो चीज़ लिखेंगे, दोनों का जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है वाई इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से वाई एक्सिस का अगर इक्वेशन लिखना हो तो एक्स एक्सिस में क्या हुआ, वाई और जेड 0 हुआ, तो वाई में क्या होगा, वाई में आपका एक्स 0 होगा, एक्स इक्वल टू 0 और दूसरा होगा जेड इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बताएगा वाई एक्सिस का। और जेड एक्सिस का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स एक्सिस में एक्स 0 नहीं था, वाई जेड 0 था, वाई में वाई 0 नहीं है, एक्स और जेड 0 है, तो जेड में क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 होगा और वाई इक्वल टू 0 होगा। ये जो इक्वेशन बताएगा वो जेड एक्सिस का इक्वेशन बताएगा। तो एक्सिस का इक्वेशन, कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वेशन के लिए हम लोग ये काम करेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो वाई एक्सिस का हो गया, एक्स इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 0। क्यों ये आप कुछ समझ पा रहे हैं कि एक्स इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी पॉइंट का अगर हम लोग वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट तो वाई के रूप में रहेगा और जेड कोऑर्डिनेट भी इसका 0 होता है। तो ये इस लाइन के प्रत्येक पॉइंट के को सेटिस्फाई करेगा, प्रत्येक पॉइंट का कोऑर्डिनेट को ये सेटिस्फाई करेगा, एक्स भी 0 होगा, जेड भी 0 होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन यही आएगा। इस तरीके से बाकी एक्सिस का भी इक्वेशन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखिए कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स विथ पोजिशन वेक्टर ए एंड बी इज आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए होगा। यहाँ पर जा समझिए कि एक लाइन है जो दो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है और दूसरा पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है। तो ये दो फिक्स्ड पॉइंट से अगर लाइन पास कर रहा है तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए होगा। ये कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए अगर किसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है तो उस वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग इस पर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं P, जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोग R कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर P बी एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन हुज पोजीशन वेक्टर इज R। अब जरा समझिए इसको लिखेंगे कैसे कि लेट A हुज पोजीशन वेक्टर इज A एंड B हुज पोजीशन वेक्टर इज B बी टू गिवन पॉइंट्स, ये दो दिया हुआ पॉइंट है A और B, एंड लेट पी हुज पोजिशन वेक्टर आर बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। अब ए और बी से जो लाइन पास कर रहा है उस पर कोई भी पॉइंट लिए हैं पी हुज पोजिशन वेक्टर इज आर। अब जरा फिगर से देखिए कि वेक्टर ए पी जो है वो निश्चित रूप से वेक्टर ए बी के पैरेलल है, वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर ए बी। आप देखिए वेक्टर ए पी जो बनेगा यहाँ और वेक्टर ए बी जो बनेगा वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, और हम लोग जानते हैं कि विक्टर ए बी और ए पी और ए बी पैरेलल है। तो विक्टर ए पी को क्या लिख सकते हैं, विक्टर ए पी को लेमडा इंटू विक्टर ए बी लिख सकते हैं, जहां पर लेमडा क्या होगा, स्केलर होगा, फोर सम स्केलर लेमडा, यहां पर लिख देते हैं फोर सम स्केलर लेमडा। अब ए पी को क्या लिख सकते हैं, ए पी को लिख सकते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। अब यहाँ पर देखिए ये लेमडा रहने देते हैं और ए बी को क्या लिख सकते हैं, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए लिख सकते हैं। तो पी का पोजिशन वेक्टर क्या है, पी का पोजिशन वेक्टर जो है वो आर है
और ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है। यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे बी का पोजीशन वेक्टर जो वेक्टर बी है और फिर पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर जो वेक्टर ए है। तो ये ए को हम लोग उधर ले जाते हैं तो आर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस लेमडा इंटू बी माइनस ए। तो ये हो गया इस लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन। यानी अगर कोई भी पॉइंट कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास करे जिसका पोजीशन वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन ये होगा आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। ये वेक्टर इक्वेशन हुआ दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन का। अब दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन देखते हैं कि देखिए द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन एंड एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू इज गिवन बाय दिस। देखिए ये एक लाइन है जो लाइन पास कहाँ से कर रहा है, एक फिक्स्ड पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 और एक बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो ये इस दो फिक्स्ड पॉइंट से पास करने वाला लाइन का, दो फिक्स्ड पॉइंट से तो एक ही लाइन पास कर सकता है, तो जो ये लाइन होगा इस दोनों पॉइंट से पास करने वाला तो इस लाइन का इक्वेशन ये होगा x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू माइनस जेड वन। अब इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, एक तो इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसका पोजिशन वेक्टर को ए मान लीजिए तो वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, और इस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर बी मान लीजिए एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के हो जाएगा। अब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू यहाँ पर कोई पुट करके निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका जो है देखिए ये x1 y1 z1 से पास कर रहा है, एक पॉइंट x1 y1 z1 से पास कर रहा है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि अगर कोई लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करे और उसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी और जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी, ये लाइन का इक्वेशन होता है। अब ए बी सी के बराबर क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि ये जो डायरेक्शन रेशियो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूँ कि डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 जो है वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, एक b जो है वो y2 माइनस y1 हो जाएगा और c जो है वो z2 माइनस z1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए बी सी का वैल्यू कितना है, ये डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर निकला हुआ है तो a का वैल्यू है x2 माइनस x1 इक्वल टू वाई माइनस वाई वन और बी का वैल्यू है वाई टू माइनस वाई वन और फिर जेड माइनस जेड वन और सी का वैल्यू है जेड टू माइनस जेड वन। तो ये लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं लाइन का इक्वेशन, तो ये खुद आप लोग कर लीजिएगा, बुक का हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। अब फिर ये जो है वो चार टाइप का इक्वेशन, दो वेक्टर इक्वेशन और दो कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन पर। अब हम लोग आगे देखेंगे इस फॉर्मूला से बेस्ट जो है कुछ क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर के। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।